नमस्कार बच्चों, मैं शिरीषा। आज मैं इस वीडियो में आपके वर्ग 8 के हिंदी पाठ पुस्तक बसंत का पाठ 2 पढ़ाऊंगा। इसका नाम है लाख की चुड़िया। इस कहानी का मुख्य पात्र बदलू हैं तथा इसके लेखक कामतानाथ हैं। इस कहानी के केंद्रीय भाव इस प्रकार है कि लेखक बचपन में अपने मामा के गांव जाया करते थे। वहीं पर एक मनिहार जाति का व्यक्ति जिसका नाम बदलू था रहा करता था। वह लाख की चूड़िया बनाया करता था। चूड़िया तो वैसे बहुत सी चीज़ों से बनती है, जैसे कांच की चूड़िया, प्लास्टिक की चूड़िया और लाख की चूड़िया। उस समय लाख की चूड़ियों का प्रचलन था और बदलू ग्रामीण परिवेश में रहकर लाख की चूड़िया बनाया करता था। जब लेखक अपने मामा के घर जाया करते थे तो उस समय वह बदलू के घर बच्चों के साथ खेलते कूदते पहुंच जाते थे। वहाँ बदलू लेखक का आवभगत करता था, अच्छा से बैठाता था, तरह तरह से हालचाल मीठी मीठी बातें करता था और अंत में लाख की कुछ रंग बिरंगी गुलियाँ बनाकर लेखक को दे देता था। जब लेखक अपने गांव लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गुलियाँ होती थी, जो उनके लिए बहुत खुशी का बात होता था। लेखक बदलू को काका कहता था, जबकि बदलू को मामा कहना चाहिए, क्योंकि लेखक के मामा के गांव का था बदलू। लेकिन अन्य बच्चों की तरह अन्य बच्चे जब बदलू को काका कहते थे, उन्हीं के देखा देखी बदलू को भी लेखक काका कहकर ही पुकारते थे। बदलू मनिहार था, चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था। वह बहुत सुंदर चूड़िया बनाया करता था। शादी विवाह के अवसर पर उनकी चूड़िया शुभ मानी जाती थी। विवाह के अवसर पर चूड़ियों के बदले उन्हें अच्छी खासी उपहार मिल जाता था। हाँ, एक बात और बता दूं बच्चों, बदलू कभी भी अपनी चूड़िया पैसों से नहीं बेचता था। वह अपने चूड़ियों को हमेशा सामान उपहार सौगात से ही बेचता था, अनाज से बेचता था। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली का वह अनुसरण करता था। इस पाठ से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऐसा माना जाता है, लेखक लिखते हैं कि अगर गांव में शादी विवाह होता था, उस समय बदलू के बनाई हुई चूड़िया अगर नहीं आती थी, नहीं लाई जाती थी, तो शादी विवाह रुक जाता था, शादी अशुभ मानी जाती थी। अब ऐसे ही आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि उनकी चूड़ियों का कितना महत्व था उस समय गांव में। वो कभी भी
बच्चों से कठोर भाषा में बात नहीं करता था, बच्चों से बहुत लाड प्यार के साथ पेश आता था। वह लेखक का अच्छा खातिर भी करता था। लेखक जब भी पहुंचते थे बदलू के घर तो उन्हें दूध से बनी मलाई और आम के दिनों में मीठे मीठे आम खाने के लिए बदलू लेखक को देता था। अब इस प्रकार कुछ साल गुजर गया, लेखक और बदलू का संपर्क टूट जाता है। बहुत दिनों के बाद जब लेखक अपने एक मामा के गांव एक बार फिर जब पहुंचते हैं, अर्थात बचपन गुजर जाने के बाद, तब वह एक बार फिर बदलू काका का हालचाल लेने के लिए बदलू काका के घर पहुंचते हैं। तो उस समय बदलू काका से हालचाल पूछते हैं कि काका क्या धंधा व्यवसाय चल रहा है कि नहीं। बदलू काका जवाब देते हैं कि लाला अब वह दिन कहाँ, अब तो मशीनों का दिन युग आ गया। अब सभी लोग मशीनों से बनी बनाई चूड़िया सामानों को अधिक पसंद करते हैं। धंधा व्यवसाय सब चौपट हो गया। अब तो बेरोजगारी चारों तरफ फैल चुकी है। मैं और मेरे जैसे जितने लोग हैं सब कोई बेरोजगार हैं, सब किसी के धंधा बंद हैं। लेखक बदलू की दुख भरी व्यथा से काफ़ी आहत होता है। बच्चों, मुझे आशा है कि इस पाठ का जो केंद्रीय भाव में बताया, जो सारांश बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस पाठ को एक बार अपने से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर अंत में मैं इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप लोग उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिखकर उसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रश्न और उसके उत्तर हैं, जो मैं पाठ के सारांश में बताया कि मशीनी युग, वस्तु विनिमय प्रणाली, लेखक बचपन में अधिक चाव से अपने मामा गांव क्यों जाते थे। फिर 5वां प्रश्न भी वही है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ प्रश्न संख्या 6 से 9 तक है, प्रश्न भी है और उसके उत्तर भी। आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करके कॉपी पर लिखिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में अगला पाठ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।